आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे झमेलों की, कुछ ऐसे झगड़ों की जो शायद अब आने वाले टाइम में भर भर के दिखने वाले हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि लता जी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी इंसान थी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी के किस्से बहुत अहम और बहुत अनसुने हैं। अभी भी कुछ ऐसे अनसुने किस्से बचे हुए हैं जिनके बारे में ना आपको मालूम है और शायद ही ना हमें मालूम है, क्योंकि उनकी जिंदगी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नरेटिव रही थी, बहुत ही ज़्यादा ऐसी गुमसुम रही थी। लेकिन जब धीरे धीरे करके वो अपने करियर में आगे बढ़ी, उसके बाद जब वो टीवी पर आई, सामने आई लोगों के, तब ये मालूम हुआ कि उनके पिता का देहांत हो गया था, वो डूंगरपुर के राजा से मोहब्बत करती थी, या फिर इसके साथ साथ उनको क्रिकेट पसंद है, उन्हें चॉकलेट्स पसंद है। लेकिन आखिरकार वो अनसुने किस्से कौन से थे जो काफ़ी ज़्यादा आपको रुला देने वाले होंगे, तो वो हम ऐसी बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बड़ी खबर और इसमें देना पसंद करेंगे। बता दें कि अब लता मंगेशकर जी को जल्द ही उनकी बायोग्राफी बनने वाली है, तो जो आपने किससे नहीं सुने हैं उनको लेकर वो आप इस बायोग्राफी में सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिरकार ये जो बायोग्राफी है उसके लिए कितने झगड़े और कितने झमेले हो रहे हैं और कौन उनकी बायोग्राफी लेकर आएगा, तो इस रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिएगा। बता दें कि आपको लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन गायिका है, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने हजार से ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं, मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वह 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी थी और अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हारिडकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना था। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वह उसी ओर आकर्षित हुई। 5 साल की उम्र में ही लता को अपने पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर सनबर्न हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी, इससे लता को गुस्सा आ गया और वह फिर कभी स्कूल नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 साल की थी। लता का परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नजदीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर, माझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजाभाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदलते तू गाया था। 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पालूंगा करजोली ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। वसंत देसाई और गुलाम हैदर
जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई, उनका करियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद 1948 नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिर कर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी उसका जिक्र अक्सर लता करती रही है। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जब प्रायश गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसे शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1942 में फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेचमन प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 70 का दौर भारतीय संगीत फिल्म के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से एक बढ़कर गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्म मेकर थे। सब ने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिला। वहीं पर इन संगीतकारों के साथ लता ने उनके यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता की आवाज का माधुर्य आमजन के सिर पर चढ़कर बोला। महिला गायकों ने इर्द गिर्द घूमना भी शुरू कर दिया था। और वहीं पर आगे बताते चले कि कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर के गाने बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय हो गए थे। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। वहीं 1970 में फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। सिलसिला फासले, विजय चांदनी, कर्ज, बहुत सारे फिल्मों में उनकी आवाज़ हमेशा ही चलती रही। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्में लता के गीतों से लगदग होती रही। मधुबाला से लेकर तो माधुरी दीक्षित जैसे तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज़ दी। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई। तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे। लता को हर किसी ने अपने परिवार का ही हिस्सा माना था। लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से भी वो लगातार इन सब चीज़ों में बनी रही और उसके बावजूद भी उनको काफ़ी कुछ ऊँचाइयाँ मिली। लेकिन अपने परिवार और बाकी लोगों के साथ उनके संबंध बहुत ही ज्यादा मधुर थे। वही तो आपने सुना ही कि बायोग्राफी जल्द ही बनेगी और लेकिन कौन बनाएगा कौन नहीं इसको लेकर तो झगड़े हो ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि लता मंगेशकर जी इतनी संयम और इतनी शांत इंसान थी तो उनका रोल आखिरकार कौन करता हुआ दिखाई देगा, किस एक्ट्रेस पे चीज सूट करेगी और किस पे नहीं। तो आपके क्या व्यूज है इस चीज को लेकर, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस को लेकर कि कौन करे और कौन नहीं, लता जी का रोल कौन अच्छे से प्ले कर पाएगा, इसके लिए कमेंट करके तो जरूर बता दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।